हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही अच्छा पाठ लेके। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। आई एम मिसेज अनुपम दुबे फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टांडा, ब्लॉक थरसीवा, टीचर LB। एंड टुडे वी विल रीड आपकी क्लास 7th की बुक से। हमारा लेसन है लेसन 11, ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग उसे खोल लीजिए। लेसन 11, ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके दादा दादी, है ना, या आपके नाना नानी, ये सब आपके साथ रहते ही होंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब उनकी फीलिंग्स क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की फीलिंग्स क्या होती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, वो बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, जैसे कि आप ये सब इमेज में देख रहे हैं, है ना। किस प्रकार से ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ में देखो वॉक पे जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि वो सबके सब एक साथ बैठे हुए हैं, है ना, आपस में बातें कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी खुशियों की, अपनी बातों की, अपने दिन भर की एक्टिविटीज की। आप भी स्कूल से आते हैं तो आपको दादा कहाँ है, दादी कहाँ है ना, ये सारी चीजें आप जब उनको अपने सामने देखते हो तो आपको लगता है कि दिन भर में आपने जो जो कुछ किया है आप उनसे बताओ। और क्या करते हैं, वो आपको डांट से भी बचाते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, है ना, आपको ज्ञान देते हैं, पढ़ाई में आपकी हेल्प भी करते हैं। तो कितना मजा आता है ना इन सबको साथ में रह सबके साथ में रह के, है कि नहीं। तो आज इस लेसन में हम देखेंगे बच्चों एक ऐसे दंपत्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, ठीक है। तो वो बच्चों है तो आपके दादा दादी की उम्र के ही, लेकिन वो एकदम अकेले रहते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ऊपर में मैंने जो ग्रिड बनाया है ये एक चार्ट टाइप का है, जिसमें क्या लिखा है मैंने, ग्रैंडपा ग्रैंडमा एक साइड, वो दादा दादी के लिए भी यूज कर सकते हो आप और नाना नानी के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। उसके बाद डैड मम और उसके बाद यू, हो सकता है आपकी बहन हो तो आप ये चार्ट जो है वो और अच्छे से बना सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो। आपकी सिस्टर है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, है कि नहीं। या आपके अंकल आंटी यानी कि आपके चाचा चाची आपके साथ में रहते हैं तो आप उनको भी इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, उनके बच्चों का नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक अपनी फैमिली ट्री यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद हम अपना लेसन देख सकते हो आप इमेज में, है ना। मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन जो कि बूढ़े हो गए हैं, एक घर है, घर के सामने वो दोनों खड़े हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिया है, इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव अलोन विदाउट चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। क्या आपके गांव में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके कोई भी बच्चे नहीं और वो दोनों अकेले ही रहते हैं। अगर है तो आप सोच सकते हो कि उन लोगों को अकेले रहने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, कितनी मुश्किलें आती होंगी। अगर आप जुड़ रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो आप मुझे आंसर भी कर सकते हो, क्या आपके गांव में आपने देखा है किसी को, कोई बुजुर्ग दंपत्ति जो अकेले रहते हैं। यस मैम, तो आप हाँ बता मैम, सकते हो कि उन लोगों का दिन कैसे गुजरता होगा बिना बच्चों के या बिना किसी से बात किए। उदास रहते हैं मैम। हाँ, उदास रहते होंगे ना, काम ही कितना करेंगे, है कि नहीं। काम तो एक समय में खत्म हो जाता है, पर बातें करने के लिए, आपके साथ आपकी बातें सुनने के लिए, शेयरिंग करने के लिए कोई तो चाहिए होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो उनके जीवन पे भी बहुत प्रभाव डालता है। तो यहाँ से बच्चों, मैं जिस प्रकार से रीडिंग कर रही हूँ, आप भी बुक आपके पास है, आप वहां पर साइलेंट रीडिंग कीजिए, है ना। उच्चारण और इनोटेशन को समझिए, कहाँ पर रुक रही हूँ, कहाँ पर किस वर्ड को मैं कैसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके बहुत काम आएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं पैराग्राफ, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। ये ऊपर में जो पहली लाइन लिखी है वो एड्रेस है कि मिस्टर मिसेस न्यूटन कहाँ रहते थे, ठीक है। ये 1814 बीच एवेन्यू, ये उनका एड्रेस है।
ठीक है, शी वॉज शॉर्ट साउंड एंड नीट। ठीक है, अब ये मिसेस न्यूटन के बारे में बताया गया है कि उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, वो दिखने में कैसी थी, वो शॉर्ट थी, हाइट में छोटी थी, साफ सुथरी थी, ठीक है, और राउंड थी, मतलब कि थोड़ी सी फैट हो सकती है। अब मिस्टर न्यूटन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉज टॉल, ही वॉज टॉल, टॉल का मतलब थोड़े लंबे थे, थिन पतले थे, एंड केयरफुल, केयरफुल का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले, ठीक है ना। द हाउस वॉज एज नीट एज अ पिन, उनका घर जो था वो ऐसा मतलब साफ सुथरा था, जैसे कि आप कोई नई पिन खरीदते हो ना, तो बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा उनका घर था। नॉट इवन अ शू आउट ऑफ प्लेस, यहाँ तक कि उनके जूते भी बिल्कुल जगह पे रखे होते थे, यहाँ वहाँ फेंके हुए नहीं होते थे। आप लोग घर पे जाते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आप लोग अपने शूज वगैरह बाहर ही निकाल देते हो, कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है, लेकिन इनके घर में जो सामान जहाँ पे होना चाहिए बस वहीं पे मिलता था। देयर मील्स ऑलवेज ऑन टाइम, और खाना खाने का भी एक निश्चित समय था, यहाँ पे मील्स का मतलब है दोपहर का और रात का खाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल टाइम से होता था, जैसे कि दोपहर का खाना 12 बजे तो बिल्कुल 12 बजे ही खाएंगे, और रात का डिनर अगर उनको 8 बजे करना है तो बिल्कुल 8 बजे ही डिनर होगा, बिल्कुल भी ऊपर नीचे टाइम नहीं होगा। नेबर्स चिल्ड्रन न्यू दैट दे शुड ऑफ देयर ग्रास, और जो बगल में बच्चे रहते थे है ना, मतलब कि पड़ोसियों के बच्चे, उनको ये भी मालूम था कि हमें इनके घर पे घास पे नहीं चलना है। उन्होंने बहुत सुंदर गार्डन बनाया था अपने घर के पास, मिस्टर मिसेस न्यूटन ने, तो बच्चों को ये मालूम था कि हमें घास पर नहीं चलना है, ठीक है, क्यों नहीं चलना है, व्हेन दे स्टेप्ड ऑन इट, क्योंकि अगर उन्होंने घास पर पांव रखा, मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट, मिस्टर न्यूटन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, वो बच्चों को डांटते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे जो है वो घास पर चल रहे हैं और घास को पूरी तरीके से रौंद रहे हैं, वो बहुत ही मेहनत करते थे अपने गार्डन के ऊपर, और उनको ये पसंद नहीं था कि बच्चे आकर उसे खेलें और उस पर या उस घास को बर्बाद करें, तो वो बच्चों को डांटते थे, इसलिए बच्चे भी उनके घर से दूर ही रहना पसंद करते थे। ठीक है, द न्यूटन डिन नो हाउ मच अबाउट चिल्ड्रन, ठीक है, न्यूटन्स को बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, क्यों नहीं मालूम था बता सकते हो आप? क्योंकि उनके यहाँ बच्चे नहीं थे। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे ही नहीं थे, तो बच्चों के बारे में उनको मालूम ही नहीं था कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे क्या शरारत करते हैं, बच्चे मतलब उनके दिमाग में केवल एक चीज थी कि बच्चे जो है वो चीजों को खराब करते हैं, शोर मचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बस उनके दिमाग में यही चीजें थी, ठीक है। बट दे डिड नो द चिल्ड्रंस मेक नॉइज, लेकिन उनको एक चीज मालूम था कि बच्चे जो है वो शोर करते हैं। दे न्यू चिल्ड्रंस आर लाइकली टू मैस अप हाउस एंड स्पिल थिंग्स, ठीक है, उनको ये मालूम था कि बच्चे घर को पूरी तरीके से अव्यवस्थित कर दे, मैस अप का मतलब होता है सब चीज बिगाड़ देना, एक सामान यहां से वहां, वहां से यहां से वहां कर देना और चीजों को खराब कर देना। वैसे आप भी करते हो ना ये सब, आपकी मम्मी लोग घर को बहुत साफ सुथरा सजा के रखते हैं, आप आके चीजें इधर उधर करते हो कि नहीं करते हो, बोलो, डांट पड़ती है, डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पड़ती है ना, लेकिन इस डांट में भी मजा आता है कि नहीं? हाँ, डांट में भी मजा आता है, और फिर दोबारा करने से पहले लेकिन आप सोचते हो है ना कि मम्मी ने इतनी मेहनत से साफ किया है तो मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या कोशिश करते हो कि उस चीज को जहां से आपने उठाई है वहीं पे ले जाके आप रख देते, ठीक है। फिर है, द न्यूटन डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मेस्ड और स्पाइल्ड, और न्यूटन्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके घर में कोई भी चीज इधर से उधर हो या कोई भी चीज खराब हो, तब जो चीज जहां पे रखी है बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ म्यूजियम, म्यूजियम में कैसा होता है, हर चीज आपको एक शीशे के अंदर दिखेगी साफ सुथरी, उसको कोई छू नहीं सकता, देखना है दूर से देखो, हाथ नहीं लगाना है ना, ना कोई टच करेगा, छुएगा नहीं उसको, कोई पढ़ना भी है तो दूर से पढ़ो, थोड़े शीशे के अंदर है फिर भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो उससे, इस तरीके का, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे अपनी चीजों के लिए, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन थे, समय का बहुत उनको ख्याल था, तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट स्लाइड,
हाँ ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रंस? क्या न्यूटन्स को बच्चे पसंद थे? क्या जवाब दोगे आप इसका? क्या उन्हें बच्चे पसंद थे? यस उन्हें बच्चे पसंद थे? नो हाँ नो, उन्हें बच्चे पसंद नहीं थे। नहीं हाँ नहीं थे, तभी तो बच्चों को घास पे खेलने नहीं देते थे। और उनका ये ख्याल था ना कि बच्चे सारी चीजें बिगाड़ देते हैं, शोर मचाते हैं, ये उनके अंदर उनकी थिंकिंग थी ये। ठीक है, तब आप अच्छा अपन चलो आगे देखते हैं। द न्यूटन्स वर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। अब तो वो सारा दिन करते क्या होंगे, ये हमारे दिमाग में भी ये चीज आएगी, है ना? सारा दिन वो करते क्या होंगे न्यूटन्स? तो वो बहुत बिजी रहते थे कुछ कुछ चीजें करने में। तो क्या चीजें करने में? टुगेदर दे निटेड एंड बिल्ड थिंग्स। एक साथ वो दोनों कुछ चीजें बुनते। चीजें बुनने का मतलब होता है जैसे कि मिसेस न्यूटन हो सकता है स्वेटर बुनती हो, या फिर क्रोशिया का कोई वर्क करती हो, और मिस्टर न्यूटन क्या करते होंगे, वो कुछ चीजें बनाते थे। ठीक है, चीजें बनाते थे लकड़ी से। तो लकड़ी से जो चीजें बनाते थे उसमें क्या क्या लिखा देखो यहाँ। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक, उन्होंने एक बहुत बड़ी घड़ी बनाई दैट लुक लाइक अ ट्री। और वो घड़ी इतनी सुंदर थी कि ऐसे पेड़ की तरह उसका शेप बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत घड़ी थी, पेड़ के जैसे दिखती थी। ठीक है, इट हैड अ बर्ड, उसमें एक चिड़िया थी दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, जो कि समय समय पर हर एक घंटे में वो चिड़िया बाहर आती थी, गाना गाती थी। ठीक है, तो उन्होंने उनके हाथ में हुनर बहुत था। ही मेड इट ऑल, उन्होंने ये सब चीज बनाई थी, एंड इट वॉज जस्ट राइट। और इतनी खूबसूरत थी वो चीज़ें कि देख, इतना परफेक्शन था उनके अंदर कि आपको लगता था कि जैसे कि आप बाहर से किसी ने खरीद के लाया है और रखा है इनके घर। बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ बनाई। इवन अबाउट द न्यूटन्स लाइफ वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स के बारे में हम केवल एक चीज जान सकते हैं, वो ये है कि उनकी जिंदगी बहुत ही शांत थी, साफ सुथरी थी और बहुत ही केयरफुल थी। केयरफुल का मतलब वो हर चीज का ध्यान रखते थे, खाने का समय, है ना, सोने का समय, उठने का समय, मतलब हर चीज उनकी एक टाइम टू टाइम होनी चाहिए थी। ये उनकी लाइफ के बारे में हम ये तीन चीजें कह सकते हैं। तो अचानक क्या होता है, एक दिन उनको एक चिट्ठी मिलती है, यही लिखा है देखिए इस लाइन में। वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट अ लेटर। एक दिन दोपहर को उनको एक चिट्ठी मिलती है, लेटर मतलब चिट्ठी। मिस्टर न्यूटन ओपेंड इट राइट। मिस्टर न्यूटन तुरंत उसे खोलते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, क्योंकि उन्हें ज्यादा चिट्ठियां कभी मिली नहीं, या हो सकता है या फिर किसी प्रकार का कोरियर हो, कोई सरकारी कागजात हो जो कभी आता हो, लेकिन चिट्ठी, चिट्ठी तो कोई अपना रिश्तेदार ही लिखता है ना। तो जैसे ही उनको चिट्ठी मिलती है उसको फटाक से खोलते हैं। तो देखो ये चिट्ठी का सामने में तुम्हारे वो दिया हुआ है स्लाइड में, आपको क्या दिख रहा है? मैड्रिड 30 सितंबर, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंड पापा, सरप्राइज। आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है ना? ये सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। जो चिट्ठी लिख रहा है वो अपना पता कहाँ पे लिखता है? राइट हैंड साइड में, कागज के अपर राइट हैंड साइड में वो अपना पता लिखता है। फिर यहाँ पर देखो उसने संबोधन किया है, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंड पापा, प्रिय दादाजी और दादी माँ, सरप्राइज। क्या सरप्राइज? वन ऑफ दीज डेज सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज का मतलब क्या होता है बच्चों? आश्चर्य, है ना, कुछ ऐसे जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज बोलते हैं ना हम उसको। ठीक है, देयर विल बी अ नॉक एट द डोर, आपके दरवाजे पे नॉक होगी। नॉक मतलब क्या होता है? दरवाजा खटखटाना, इस प्रकार से आवाज आती ना, कोई भी आपके घर पे आता है दरवाजा खटखटाता है ना, उसको बोलते हैं नॉक करना, नॉकिंग। ठीक है, तो आपके दरवाजे पे नॉक होगा। व्हेन यू ओपन इट, और जब आप उसे खोलेंगे तो देयर विल बी ऑल ऑफ अस, वहां पे हम सब होंगे, लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस। छोटे बच्चे हैं तो अपने दादा जी को ढेर सारा प्यार वो भेज रहे हैं चिट्ठी में, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके पोते पोती। ये इस प्रकार से उनको एक चिट्ठी जो है वो मिलती है। फिर चिट्ठी मिलती है तो वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं।
सही में सरप्राइज हो जाते हैं। वो तो बोल रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको सरप्राइज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी से सरप्राइज हो गए चिट्ठी पाते ही। क्यों? क्योंकि उनको तो चिट्ठी लिखने वाला कोई था ही नहीं, फिर ये कहाँ से चिट्ठी आई और ये कौन से बच्चे हैं? तो ये सारा कन्वर्सेशन है देखो मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन के बीच, जो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। हाउ कैन दिस बी, ऐसा कैसे हो सकता है? आस्क मिसेस न्यूटन, मिसेस न्यूटन पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है? वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, समबडी इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस। हमारे तो कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? मिस्टर न्यूटन सैड इट्स नॉट अ फनी जोक, व्हेन दे नॉक वी जस्ट वोंट आंसर द डोर, चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड मैस। तो मिस्टर न्यूटन क्या कहते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, जब कोई आएगा और दरवाजा खटखटाएगा तो हम जवाब ही नहीं देंगे, दरवाजा खोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना? चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड मैस, बच्चे जो है वो बहुत शोर करते हैं और बहुत गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसा उन दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत को देखकर लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से, वो गुस्सा है ना, कि कोई उनके घर आने वाला है, खासतौर से बच्चे, और कोई मजाक भी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फिर भी देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सर। जैसे ही सुबह होती है मिसेस न्यूटन उठती हैं और अपना मिक्सर निकालती हैं। अच्छा मिक्सर मालूम है ना क्या होता है? आप सभी के घर में होगा मिक्सी, यस मैम, उससे क्या करते हैं? किसी चीज को पीसते हैं मैम, हाँ, किसी चीज को पीसते हैं है ना, आपको उसमें कुछ ग्राइंड करना है, कुछ मिक्स करना है, तो उसके लिए हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपना मिक्सर निकालती है, ठीक है। आई मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ दे कम, शी सैड। अब देखो वो क्या बोल रही है, मैं बच्चों के लिए कुछ कुकीज बनाती हूँ, कुछ बिस्किट्स बनाऊंगी बोल रही है, अगर वो आते हैं तो। मतलब एक तरफ से मन में उनको कहीं ना कहीं दबी हुई छुपी हुई खुशी है उनके अंदर, बच्चों का आने का इंतजार कर रही है वो, है ना, कि अगर बच्चे आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज बनाती हूँ, ठीक है, ऐसा वो अपने मन में सोच रही है। द डेज वेंट बाय एंड दे वेटेड एंड द वेटेड फॉर अ नो, दिन गुजरते गए है ना, और वो इंतजार करते ही रहे कि कभी तो दरवाजे पे कोई खटखटाएगा। नो वन केम, कोई नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, ही रीड इट अगेन, ही लुक एट द लेटर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो सोमवार के दिन फाइनली मिस्टर न्यूटन कहते हैं कि शायद हमने चिट्ठी गलत पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद वो उसे फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत देर तक चिट्ठी को देखा, उलटते रहे पलटते रहे, बहुत देर तक गौर से उस चिट्ठी को देखते रहे, क्या समझ में आया होगा, देखते हैं, चलो आगे। ओ माई गॉड, देखो क्या हुआ उनके साथ। वी हैव मेड एन ऑफुल मिस्टेक, ही सेड क्वाइटली, उन्होंने बहुत ही धीरे से कहा, जैसे कि उनका मन टूट गया हो, एकदम डिप्रेस हो गए थे, उदास हो गए थे, एकदम धीरे से कहते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस लेटर वॉज फॉर 1840 बिर्च एवेन्यू, ये चिट्ठी 1814 बिर्च एवेन्यू के लिए है। आपको पता है, आपको पहले मैंने एड्रेस बताया था, याद है आपको वो एड्रेस क्या था मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन का? 1840 बीच एवेन्यू, हाँ बीच एवेन्यू, और यहाँ पे क्या लिखा है, बिर्च एवेन्यू। तो बाय मिस्टेक जो ये लेटर है वो मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन के घर पे चला जाता है ना, वो बच्चे किसी और के थे, वो ग्रैंड चिल्ड्रन किसी और के थे, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो चिट्ठी जो है वो मिसेस एंड मिस्टर न्यूटन के घर पे चली जाती है। अब वो ये देखकर उनका दिल जो है वो टूट जाता है, भले ही वो ऊपरी तौर से कहते थे कि हमें बच्चे पसंद नहीं, हम बच्चों से ये कर मतलब बच्चे बदमाशी करते हैं, बच्चे चीज़ें खराब कर देते हैं, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर वो जो है वो बच्चों का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली उनको मालूम चल जाता है कि ये चिट्ठी तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो किसी और के लिए है ना। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो कहते हैं। दे वर बोथ सैड, वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इट वॉज क्वाइट इन द लिटिल हाउस, और उस छोटे से घर में एक बार फिर से शांति छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार ये सन्नाटा किसी दूसरी चीज के लिए होता है।
देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन. एक दिन दोपहर को मिस्टर न्यूटन को एक आइडिया आता है. ही पुट एन एड इन द पेपर. न्यूज़पेपर में एड देते हैं. एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जिसको हम हिंदी में कहते हैं. आपने देखा होगा अगर आपके घर में समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें विज्ञापन किस प्रकार से छपे होते हैं. वांटेड लिखा रहता है, चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है, वांटेड चाहिए, क्या चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, उधार के ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए. कई लोग क्या मांगते हैं कि भाई हमको एक कोई कहता है कि हमें एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो इतना पढ़ा लिखा हो, उसको सब कुछ पूरा डिटेल रहेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे काम करना है. लेकिन या किसी को घर चाहिए, किसी को रेंट पे घर चाहिए, किसी को फाइनली अपने लिए घर लेना है, किसी को बाइक लेना है, या किसी को कुछ बेचना है, इस प्रकार से ऐड आते हैं. लेकिन यहाँ पर ये देखो ऐड जो बना हुआ है वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, वो भी उधार के, बोरो उधार लेना है. एनी साइज और एज, किसी भी उम्र के और कोई भी साइज के चलेंगे. मतलब साइज का मतलब यहाँ पर मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, बड़े हो, इस प्रकार से कहा जा रहा है. ठीक है, ऐसा कोई इन्होंने फाउंडेशन नहीं लगाया है कि इसी साइज के और इसी एज के, कोई भी चलेगा बोलते. प्लीज कम टू 1840 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9. और फिर उन्होंने क्या कहा, अपने घर का एड्रेस दिया है कि कृपया आइए 1814 बीच एवेन्यू में शनिवार सुबह 9 बजे. इस प्रकार से एक छोटा सा एड इन्होंने बनाया, एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बनाई. ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है, क्या इस प्रकार से विज्ञापन देने से बच्चे आएंगे उनके घर, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा इस एड को पढ़कर, कोई आएगा भी उनके घर? चलिए ठीक है, उनके घर देखते हैं आगे आते हैं कि नहीं. देयर वर ओनली 5 डेज बिफोर सैटरडे. सैटरडे के पहले के 5 दिन बचे हैं. सैटरडे आने में मतलब 5 दिन ही बचे हैं. द न्यूटन्स मेड टॉयज एंड बेक मोर कुकीज. उन्होंने बहुत सारे खिलौने बनाए और खूब सारी कुकीज बनाई. कुकीज का मतलब एक तरीके की बिस्किट्स होती, नान भी कहते हैं जैसे. ठीक है ना, फाइनली इट वॉज सैटरडे. और सैटरडे आ गया. दे वेटेड एंड वेटेड. वो इंतजार करते रहे करते रहे. बट नो वन केम. लेकिन कोई नहीं आया. ठीक है, द वेटेड ऑल मॉर्निंग. सारा सुबह वो बेचारे दोनों इंतजार ही करते रहे. दे हैड वर्क सो हार्ड एंड होप्ड सो हार्ड. उन्होंने बहुत मेहनत की थी खिलौने और कुकीज बनाने में, और उन्होंने उम्मीद भी बहुत ही दिल से की थी. बट नो वन केम. लेकिन कोई भी नहीं आया. अब क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं, दिख रहा है इमेज में, मतलब कि कोई तो आया. नॉट अस, सेड मिस्टर न्यूटन, वी हैव टू मच. यहाँ पे देखो मिस्टर न्यूटन कहते हैं कि वी हैव टू मच क्वाइट. हम बहुत शांत है. कोई आया और उनसे पूछ रहा है. ठीक है, उसके जवाब में मिस्टर न्यूटन कहते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा शांत है. अवर हाउस इज टू नीट. हमारा घर बहुत साफ सुथरा है. अब हम चाहते हैं कि कोई हमारा घर गंदा करे. अब हमारे घर में हम चाहते हैं कि कोई शोर करे. ठीक है, वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस. अब हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे घर में आए. वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन. हमारे कभी कोई भी बच्चे नहीं थे. वी वुड लाइक टू बोरो सम. और इसलिए हम कुछ बच्चे उधार लेना चाहते. टेल ऑल योर फ्रेंड. तुम अपने सारे बच्चों को सारे दोस्तों को जाके कहो. यू मीन इट, आस्क डेवी. तो डेवी जो बच्चा उनके घर आता है वो कहता है, आप सही में ऐसा चाहते हैं? आई रियली मीन इट, सैड मिस्टर न्यूटन. तो मिस्टर न्यूटन कहते हैं, हाँ मैं सच में यही चाहता हूँ. आई विल टेल देम, आई विल राइड ऑल ओवर. ठीक है, मैं सबको बता दूंगा, मैं सब जगह जाता हूँ और सबको मैं बता दूंगा, ऐसा वो बोलता है. ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू इट, देयर वॉज अ नॉक एट द डोर. चिल्ड्रन केम. जब तक कि न्यूटन फिर समझ पाते, थोड़े ही देर में दरवाजा खटखटाना शुरू हो गया. बच्चे आ गए. ठीक है, Why did Devi ask you mean it? Devi ऐसा क्यों कहता है कि you mean it? मतलब आप सच में ऐसा चाहते हैं? तो Devi इसलिए पूछता है क्योंकि उसको भी मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति अक्सर होते हैं, उनको शोरगुल या फिर घर जो है वो उनका कोई गंदा करे, इस तरीके की चीज़ें उनको पसंद नहीं. तो कोई क्यों बच्चों के लिए ऐड देगा पेपर में, कहीं कोई ये मजाक तो नहीं है, इस प्रकार से वो उनसे पहले पूछता है, really mean it? तो मिस्टर न्यूटन जवाब देते हैं, यस आई रियली मीन इट. सम लुक्ड हैप्पी, सम वर वेरी क्वाइट. अब जो बच्चे आए थे वो किस प्रकार के थे देखो.
कुछ तो बहुत खुश थे और कुछ एकदम चुप। इन अ शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम। जल्दी ही सारे बच्चों का वेलकम किया गया, सबको अंदर बुलाया गया। एंड देयर वाज अनदर नॉक। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। एंड मोर चिल्ड्रन वर ऑन द पोर्च, और पोर्च में बहुत सारे बच्चे और खड़े थे। आई एम ग्लेड वी मेड मोर कुकीज, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ढेर सारी कुकीज बनाई, सेड मिसेस न्यूटन। मिसेस न्यूटन अब खुश थी कि हाँ, उन्होंने जो मेहनत की थी वो अब व्यर्थ नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि बच्चे जितने आए थे उन्होंने भी ढेर सारी कुकीज बनाई थी, तो सबके लिए हो जाए। देन मोर केम, उसके बाद और आए, ठीक है। एंड मोर, उसके बाद और आए। देयर हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन, उनका घर जो है वो बच्चों से भर गया। ऑफ ऑल साइज एंड एजेस, सारे साइज के हर एज के बच्चे वहां पर थे। इट वॉज मोर देन दे हैड होप्ड फॉर, मतलब जितने की उन्होंने उम्मीद की थी उससे भी बहुत ज्यादा बच्चे उनके घर पे आ गए, पूरा घर उनका भर गया था। द वंस हु लाइक ट्रक्स एंड ट्रेन्स हैड ट्रक एंड ट्रेन्स टू प्ले विथ। अब जो बच्चे को जो खिलौना पसंद आ रहा था वो उसको उठा के खेल रहा था, ठीक है। किसी को ट्रक पसंद आ रहा था तो वो ट्रक के साथ खेल रहा है, देखो। किसी को डॉल पसंद आई है, वो डॉल के साथ खेल रही है। कोई कार के साथ खेल रहा है, कोई बॉल के साथ खेल रहा है, और कोई बच्चा वो देखो आप घोड़े के साथ खेल रहा है, लकड़ी का, है ना। तो उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे इस प्रकार से खेलते हुए खुश थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अपने पास एंड में कुछ है यहाँ पर लाइंस, ये देखिए, ये आपका लास्ट पैराग्राफ। अब देख सकते हो जो पहली इमेज आपने देखी थी उसमें आपने देखा था कि उनका घर, वो दोनों एकदम शांत खड़े थे, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। अब ये आखिरी पैराग्राफ का इमेज आप देखो, क्या फर्क दिख रहा है दोनों में। पहले वाले घर में दोनों एकदम शांत खड़े थे, लेकिन ये आखिरी वाले इमेज में आप देख रहे हो किस प्रकार से बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं खुशी से, है ना। मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डोल्स एंड टॉयज फॉर हिम, मिस्टर न्यूटन ने ही सारे खिलौने बनाए थे। दे हैड ए वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक उनका जो समय था वो बहुत अच्छा गुजरा। द चिल्ड्रंस लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, है ना। जैसे ही शाम मतलब दोपहर खत्म होने लगी, शाम आने लगी, सारे बच्चे जो है वो उनके घर से जाने लगे। दे प्रोमिस टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे, और अगले शनिवार को उन्होंने प्रोमिस किया कि वो फिर से आएंगे। द नीट लिटिल हाउस वॉज अ मैस, अब उनका जो छोटा सा मतलब साफ सुथरा सा घर था वो अब पूरी तरीके से खराब हो गया था। खराब होने का मतलब सब सामान उल्टा पुल्टा हो गया था। इवन द क्लॉक वेंट टॉक टिक, घड़ी जिसका चलने का साउंड टिक टॉक होता है ना, अब वो उल्टा चलने लगी थी, टॉक टिक ऐसे होने लगी। बट मिस्टर न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज, लेकिन मिसेस न्यूटन जो है वो बहुत खुश लग रही थी। डू यू थिंक देयर वर इनफ टॉयज एंड कुकीज फॉर एवरीबडी, मिस्टर न्यूटन से वो पूछते हैं कि तुमको लगता है ना सभी बच्चों के लिए कुकीज़ और टॉयज सबके लिए पर्याप्त थी ना, कम तो नहीं पड़ी होंगी किसी को। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने मिस्टर न्यूटन जवाब देते हैं, सब कुछ पर्याप्त था, टॉयज एंड कुकीज एंड लव, खिलौने भी पर्याप्त थे, कुकीज भी पर्याप्त थी, और हमारा प्यार भी सबके लिए पर्याप्त था। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सर इफ़ यू फोकस द कैमरा ऑन दिस टॉयज, कि यहाँ पर जो उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, मैंने आपको जो बताया कि वो बुनाई करती थी, और मिस्टर न्यूटन उस लकड़ी की चीज़ें बनाते थे, तो वुडन टॉयज या वुडन टॉयज हम की बातें करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने टेबल पे कुछ इमेजेस हैं, ये वुडन की बनी हुई लकड़ी की, ये बता सकते हैं क्या चीज़ है अगर आप देख पा रहे हैं। इसे गिल्ली कहते हैं ना, ये लकड़ी की यस मैम, खेलते हैं ना बच्चे। हाँ, और ये क्या है ये बताओ, ये भी वुडन का बना हुआ है ना। भौरा हाँ, इसके साथ भी आप लोग खेलते हैं, ये भौरा है, ये सारी चीजें वुडन है, मतलब लकड़ी से बनी हुई है। ये क्या है ये बताओ, ये इसको भी आप खेलते होगे ना, इसके अंदर ना दो सिल्वर बॉल्स हैं, ये वाला जानते हो आप, आपको बीच में लाना होता है दोनों बॉल्स को एक साथ एक ही जगह पर। ये भी मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है ना, तो वुडन के लिए। और ये किस चीज से बना हुआ है बताओ, ये इसको पहचानते हो, ये क्या है? डस्टर, हाँ, ये किससे बना हुआ है, पीछे का हिस्सा, लकड़ी का हाँ। तो जो चीजें लकड़ी से बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं,
मेड ऑफ वुडन, वुडन ठीक है, वुड से वुडन बनता है, मतलब ये लकड़ी की चीज है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये किस चीज से बनी ये बताओ? प्लास्टिक मेम्ब्रेन, प्लास्टिक से, प्लास्टिक से बनी हुई, ठीक। तो वुडन यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो टॉयज बनाते थे वो लकड़ी के बनाते थे, मतलब वुडन टॉयज बनाते थे। जैसे आपके पास भी बहुत सारे वुडन टॉयज होंगे, इसके अलावा आप लोग वो बैल वगैरह लेते हो ना तीजापुरा में जो आता है लकड़ी के, वो इस प्रकार से। और भी खिलौने गिल्ली के अलावा, छोटी छोटी चिड़िया होती है या जिराफ होते हैं, मतलब बहुत सारे खिलौने आपके पास हैं लकड़ी के, है ना, जो आप घर में जिनको खेल के आप बड़े। वो घोड़ा देखा होगा आपने इमेज में, वो बच्चा जिसके साथ खेल रहा था, कई लोगों के पास वो लकड़ी का घोड़ा रहता है ना, तो लकड़ी की बहुत सारी चीजें। हाँ तो चलिए बच्चों इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, वर्ड मीनिंग के पास अपन चलते हैं। वर्ड मीनिंग में यहाँ पर देखिए, आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगी यहाँ पर वर्ड मीनिंग, इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए सारे वर्ड मीनिंग्स को। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे वॉइस के ऊपर, इसलिए मैं इसको इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, इसको तो आप पढ़िए। इसको अल्फाबेटिकली आपको जमाना है, अल्फाबेटिकली मतलब ए बी सी डी के हिसाब से आपको इसको जमाना है। तो कैसे जमाएंगे? ए बी सी डी आप ऐसे ढूंढते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसको नंबरिंग करना है, पहले नंबर पे कौन, पहले में जैसे देखो लिखा है मील्स, फिर उसके बाद लिखा है मैथ, फिर उसके बाद लिखा है एस, तो आपको ढूंढना है कहीं पे ए वाला कोई वर्ड तो नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो ना? यस मैम। तो इसको मैंने एक स्लाइड भी बनाया है आगे, जो इसका आंसर है अल्फाबेटिकली जमा है। तो आज हमारे इसमें आगे कीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आंसर है, हाँ इसके आगे वाला स्लाइड है जो आंसर है, ये देखो ये इसका आंसर है अल्फाबेटिकली, वही जो वर्ड मीनिंग थी ना, तो उसका ये आंसर, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले मैं अपना इसके आगे की स्लाइड खोलेंगे सर, तो इसमें वॉइस है हमारे पास और एक आगे, हाँ ये, तो मैं इसको पहले आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का ही टाइम है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इस पर क्लियर, जैसा कि आपके पास बुक भी है आप देख सकते हैं बुक में, यह है एक्टिव वॉइस, अपने को इसको चेंज करना है। पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एज एन एग्जांपल मैं जैसे आपको बताती हूँ, आपके बुक में जो दिया वो सब पैसिव वॉइस है ना, लेकिन आपको पहले ये तो मालूम हो कि एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे सिंपल सेंटेंस है, तो वो सिंपल सेंटेंस एज एन अपन एक्टिव वॉइस को कह सकते हैं, ठीक है। हरी राइट्स अ लेटर, हरी पत्र लिखता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट इधर चला जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, और जो ये आपका वी वन है वो इट विल चेंज इनटू वी थ्री, और साथ में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट जो इधर आके हमारा सब्जेक्ट बनेगा, उसको देखना है आपको कि ये सिंगुलर है यानी कि एकवचन में है कि प्लूरल है बहुवचन में। इसके हिसाब से आपको यहाँ पर इज, एम और आर, इन तीनों चीजों को आपको देखना है, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर का उपयोग अपने को करना है। तो कैसे करेंगे ये, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आएगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, अ लेटर पे
पहला मैंने पूरा कर दिया, ऊपर में आपको मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, इसे मार्क का प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेटर, ये बताओ आ लेटर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, मतलब एक वचन में है कि बहुवचन में। एक चिट्ठी एक वचन, एक वचन। तो ये इज एम आर, इसके साथ ये तीन है तो इसके साथ आ लेटर के साथ क्या जाएगा? इज मैम, इज। वेरी गुड, अ लेटर इज। अब जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है अपन ने इज लगा लिया, अपना सब्जेक्ट भी हो गया इज भी हो गया। अब वी थ्री बोल रहा है तो राइट का आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होगा। राइट इज अ वर्ब और वर्ब राइट का होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है क्या कोई जानता है? राइटेड में आईएनजी वाला कभी भी बेटा थर्ड फॉर्म नहीं होता है ना, तो फोर्थ फॉर्म रिटर्न। ये देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अ लेटर इज रिटन। अब हरी इधर आ जाएगा लेकिन इसके पहले आपने को बाय लाना है, बस अ लेटर इज रिटन बाय हरी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो आपने देखा कि इस प्रकार से इस एक्टिव वॉइस को मैंने पैसिव में चेंज किया है ना, वही सेंटेंस है लेकिन आपको कुछ ही चेंजेस करने हैं। वो उधर का ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन गया, ये जो हरी हमारा एज एन सब्जेक्ट यहाँ वर्क कर रहा था वो उधर आके ऑब्जेक्ट बन गया। हमने क्या किया, इसके हिसाब से इज एम आर लगा दिया, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर होता तो एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता है। और आपके बुक में भी यही वाला फॉर्म दिया है, प्रेजेंट टेंस वाला ही फॉर्म दिया है, कि यही फॉर्मूला यूज करके साफ बनेगा उसमें, ठीक है। इज एम आर प्लस वी थ्री आपके बुक में जो दिया है वो सब पैसिव वॉइस में दिया है बच्चों, तो उसको ब्रैकेट में आपको वर्ब भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, केवल आपको ये देखना है कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, और जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए और वही आपके बुक में है। तो चलिए वो वाला होमवर्क नहीं मैं दे रही हूँ उसको, ये अपन यहीं पर करते हैं, होमवर्क अपन दूसरा देंगे इसी से रिलेटेड। तो आपने बुक का वो वाला पेज खोल लीजिए जहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, ये देखिए ये है ना, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर में देखो वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यूज इज आर, ठीक है। यहाँ पर एम नहीं लिखा लेकिन एम भी हो सकता है, फिर वी थ्री, उस प्रकार से इस फॉर्मूला का उपयोग करना है और आपको यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने हैं। पहला एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, यहाँ पर ब्रैकेट में मेक लिखा है तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, पेपर है वो सिंगुलर इसलिए वहाँ पे इज लगाया है। तो वैसे ही बाकी भी बन जाएंगे, एट फर्स्ट द ट्रीज, अब देखो यहाँ पे ट्रीज लिखा है प्लूरल तो क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? आर, आर मैम, आर। वेरी गुड, यहाँ पर आर लगेगा, द ट्रीज आर। और स्ट्रिप का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड। वेरी गुड, आपको पीछे ईडी लगाना है केवल, द ट्रीज आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर बार्क, ठीक है। ये हमारा पैसिव एक पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा देन दे अपने आप में क्या चीज है, दे का मतलब वे होता है आपको भी पता है, तो यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा? आर, आर लगेगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, दे आर। फिर ग्राइंड है, इसका सेकंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? ग्राइंडेड, हाँ ग्राइंड। वेरी गुड, ईडी लगा दीजिए। अब थर्ड वाला देखते हैं, देन द पल्प, द पल्प क्या लगेगा इज की आर? इज, इज। वेरी, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड, कुकेड, कुक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इट, इट के साथ क्या जाता है इज की आर? इज,
इज, और वॉश का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? वॉश्ड वॉश्ड. उसके बाद वाला इट के साथ इज, इज. और ब्लीच का थर्ड फॉर्म ब्लीच्ड. ब्लीच्ड, हाँ ठीक, ब्लीच. हाँ फिर से एक बार इट वाला आया. इट के साथ तो इजी लगाना है, अपने को तो ये मालूम है ना, इट इज सब जगह इजी आएगा. थर्ड फॉर्म आप बताते जाइए, मिक्स का क्या होगा? मिक्सेड. हाँ मिक्स्ड, ठीक, ईडी लगाएंगे. हाँ फिर फीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फिक्स्ड. फैड. फिक्स्ड. नहीं 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 यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पे ना फैड हो जाएगा. ठीक है, कई सारे फॉर्म में थर्ड फॉर्म जो है वो ई एन लगा के भी बनते हैं. ठीक है, या सिर्फ अलग अलग भी हो सकते हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे राइट रोट रिटर्न चला जाता है, गो वेंट गॉन, तीनों ही अलग चलते. तो वैसे यहाँ फीड फेड फेड होता है, फेड, एफ ई डी फेड केवल. ठीक है, हाँ. तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. अब वही चीज देखो जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे हरी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे भी वही आपको इलेबोरेट करके यहाँ पे भी वैसे ही बताया गया है. सब्जेक्ट हमारा हरी, वर्ब है राइट्स, और ऑब्जेक्ट है लेटर. जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यही चीज क्या हो जाती है, अ लेटर इज रिटर्न बाय हरी, है ना. तो इस प्रकार से ये पैसिव बनता है. तो आपको ये समझ में आया बेटा, एक्टिव और पैसिव? यस मैम. हाँ मैम. और आपके घर में मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपके घर में 5 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मुझे बताओ आपके घर में वुडन की कौन कौन सी चीजें हैं? अभी तो आपने वुडन की चीजें देखी ना, मैंने आपको दिखाई थी, आपके घर में क्या क्या yes, चीजें हैं वुडन की? बेड. हाँ टेबल. हाँ डोर. टेबल. हाँ डोर. डोर प्लेस. बहुत सारी चीजें आपके घर भी वुडन की हैं, आपके घर की चौखट भी वुडन की है, आपका डोर भी वुडन का है, बेड भी वुडन का है. ठीक है, आगे देख लेते हैं, अपने पास कुछ इसमें और है आगे क्या? हाँ ये मैंने जो आंसर, ये आपने जो बताया वही चीज है ना. आगे देखते हैं, ये एज एडजेक्टिव एज, इसको आपको मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, एक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको करना है. एज एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला एग्जाम्पल, द रूम वॉज एज नीट एज अ पिन. तो वैसे ही यहाँ पर आपको एक कोल्ड दिया है, आइस दिया है ना, तो उसका उपयोग करना है. हिज हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस. वो जो मैंने बीच में आपको कोल्ड और आइस दिया है उसको आपको लगाना है एज के बाद, और एक एज जो है वो आपको एंड में लगा देना है बस. एज कोल्ड एज आइस, ठीक है. जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, उसी हिसाब से इसको भी बनाना है. मतलब उसके हाथ इतने ठंडे थे जितने कि बर्फ होते हैं ठंडे. तो आप बाकी होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रही हूं, तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे? यस मैम. ये बना के होमवर्क करना जरूर इसको, ठीक है ना. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर होते हैं बेटा ये सब, तो इसको जरूर से कीजिएगा. ये बहुत ही इजीली आप उसे बन जाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है. बस जो वर्ड्स दिए हैं आपको एज के बाद उन वर्ड्स को फिक्स करना है, और लास्ट वाले वर्ड के पहले आपको एक एज यहाँ पे लगाना है. तो मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क कीजिएगा. पिछली बार भी बच्चों ने मुझे बना के भेजा है होमवर्क मेरे व्हाट्सएप में, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए. आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा, ग्रामर अच्छा लगा होगा. अच्छा हाँ, मेरा नंबर भी अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए व्हाट्सएप में, अगर आप ये होमवर्क सेंड करना चाहें तो. नंबर मैं बोल रही हूँ, आप ले लीजिए 971 371 5898.